हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल मैथ्स एकेडमी में। फ्रेंड, मुझे बहुत दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक लेके। हाँ फ्रेंड, आज हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे कि हम एक ही मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, बेल के आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फ्रेंड, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। फ्रेंड, जो एलसीएम होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है फ्रेंड्स? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अगर हम कोई सी भी दो वैल्यूज ले लें जिसका हमें एलसीएम निकालना है। सपोज करें हमारे पास 2 और 4 है। क्या है फ्रेंड्स? 2 और 4। और हमसे बोला गया है हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया फ्रेंड? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है फ्रेंड्स, वो सबसे छोटी वैल्यू जो उन दोनों टेबल में लाइज करती हो, जिनका हमको एलसीएम निकालना है। तो हमें फ्रेंड नंबर कौन से दिए गए हैं? 2 और 4। तो आप खुद सोचिए, ऐसी कौन सी वैल्यू जो 2 के टेबल में आती है और 4 के टेबल में आती है। तो फ्रेंड कई सारी वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। और अगर 4 के टेबल की बात करें फ्रेंड, तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और उसके बाद 16 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है फ्रेंड? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू जो दोनों टेबल में लाइज कर रही है। हमें सबसे छोटी वैल्यू का पता लगाना है फ्रेंड, ठीक है? तो सबसे छोटी वैल्यू हमें कौन सी दिख रही है फ्रेंड्स? अगर हम देखें तो हमें सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है कौन सी फ्रेंड्स? 4। मिल तो हमें 8 भी रहा है, देखें अगर फ्रेंड्स हमें 8 भी मिल रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया फ्रेंड्स? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू जो दोनों टेबल में लाइज कर रही है। तो फ्रेंड दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लाइज कर रही है? 4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4। अब अगर इसी में बात करें फ्रेंड एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अपन जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो फ्रेंड दो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए आप एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम जो होता है वो हमेशा अपने नंबर से बड़ा आता है, मतलब जो नंबर होते हैं वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। फ्रेंड अगर एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ वो होता है जो उन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। समझ गए फ्रेंड एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो हमेशा अपने नंबर से बड़ा होता है, और नंबर्स जो होते हैं वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। और एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड्स? वो उन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है और हमेशा नंबर से छोटा होता है एचसीएफ। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए 2 और 4 का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं फ्रेंड, तो एचसीएफ का मीनिंग मैंने क्या बताया? वो बड़े से बड़ा टेबल जिसमें 2 और 4 दोनों आते हों। क्या बताया है फ्रेंड्स? बड़े से बड़ा टेबल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड वो बड़े से बड़ा टेबल कौन सा है जिसमें 2 और 4 दोनों आते हैं? अगर हम देखें 3 से क्रॉस करें, तो 3 के टेबल में 2 आता है क्या? 3 के टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता। अगर हम 2 की बात करें, तो 2 के टेबल में 2 आता है फ्रेंड्स? आता है बिल्कुल। और 2 के टेबल में 4 आता है? आता है। तो बिल्कुल 2 इसका क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकलेगा इसका फ्रेंड्स? 2। समझ गए आप? चलिए आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उससे सॉल्व करना चालू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? सपोज कर लीजिए फ्रेंड हमें निकालना है, हमारे पास नंबर दिए गए हैं 2, 4 और 8। अब हम एक ही मेथड लगाएंगे फ्रेंड, उससे एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकाल लेंगे नंबर का। तो फ्रेंड हम 2, 4 और 8 का निकालते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम इसको डिवाइड करें फ्रेंड 2 के टेबल से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर डिवाइड करते हैं फ्रेंड 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 1 का 1 आ जाएगा फ्रेंड, वो तो डिवाइड हो चुका है, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। फिर डिवाइड करेंगे अगर फ्रेंड से, 2 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही, फिर 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही, फिर 2 1 ज़ा 2। अब हमसे कोई बोले आप इसका एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करते फ्रेंड, ये जितने भी बार डिवाइड हुआ है नंबर से इन सब का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 8। तो 8 तो क्या आ गया फ्रेंड? 2, 4 और 8 का क्या आ गया फ्रेंड्स? ये एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी वैल्यू जो नंबर दिए गए हैं उनके टेबल में आती हो और कॉमन हो। तो 2, 4 और 8 का टेबल हम वैसे ही पढ़ें तो सबसे पहले कौन मिलेगा? 8 ही मिलेगी वो वैल्यू जो तीनों टेबल में आती है, तो 8 होगा एलसीएम।
अब कोई आपसे पूछ ले SCF क्या होता है, तो फ्रेंड मैंने क्या बताया था SCF के बारे में, वो बड़े से बड़ा टेबल जो उन दोनों को काटता हो। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, टू ने यहाँ पर तीनों नंबर को डिवाइड करा, यहाँ पर भी टू ने डिवाइड करा और यहाँ पर भी टू ने डिवाइड करा। अब आप खुद सोचिए, टू के अलावा ऐसा कोई सा टेबल है क्या जिसमें 2, 4 और 8 दोनों आता हो? 3 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, ठीक है, समझ गया फ्रेंड। तो 2 ही वो बड़े से बड़ा टेबल है, मतलब SCF है, जो 2, 4 और 8 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। फ्रेंड आइए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास है 15 और 10। अब हमें निकालना है 15 और 10 का क्या फ्रेंड, LCM और SCF। चलिए फ्रेंड निकालते हैं। तो हम पढ़ते हैं फ्रेंड 5 का टेबल, 5 3 15 और 5 2 10। अब इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड पूरा। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं, 3 वैसे का वैसा ही, 2 1 2। अब 3 का टेबल पढ़ लेते हैं फ्रेंड, 3 1 3 और 1 8 वैसे का वैसा ही। तो अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये आता है कि LCM क्या है इसमें और SCF क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था, SCF क्या होता है, SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा टेबल जो दोनों को डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो 5 जो है, 5 ने यहाँ पर 15 को भी डिवाइड करा और 2 को भी डिवाइड करा, तो वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन 2 को देखें तो 2 खाली 2 को डिवाइड कर पा रहा है, उसने 3 को डिवाइड करा क्या? नहीं करा। और मैंने SCF का मतलब क्या बताया, दोनों नंबर को जब तक पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, उसका SCF। तो फ्रेंड इससे क्या पता चलता है, 5 ने ही दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करा है, तो इन दोनों का SCF कितना हो जाएगा फ्रेंड, 15 और 10 का SCF हो जाएगा 5, क्योंकि वो उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और फिर मैंने LCM का मतलब क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो उन दोनों के टेबल में आता है। LCM निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें इन तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेना। आप वैसे भी निकाल सकते हो, 15 और 10 के टेबल में सबसे पहले क्या मिलेगा, 15 टू जा कितना होता है 30, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, 30 होगा। और आप इनका मल्टीप्लाई भी करके भी देख सकते हो। तो LCM के लिए क्या करेंगे, हम सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 × 2 × 3, 5 2 10, 10 3 30, तो 30 आ गया LCM और SCF कितना आ गया फ्रेंड्स 5। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर है 100 और 150, इसका हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, LCM और SCF हमें दोनों फाइंड करना है। चलिए फ्रेंड फाइंड करते हैं इसका LCM और SCF। तो सबसे पहले 150 को फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, 5 के टेबल से डिवाइड कर लेता हूँ। 5 2 10, 0 8 वैसे का वैसा ही, 5 3 15, 0 8 वैसे का वैसा ही। और क्या कर सकता है क्या फ्रेंड, हाँ 5 से और डिवाइड हो सकता है, 5 4 20 और 5 6 30। और कर सकता है क्या फ्रेंड, हाँ 2 के टेबल से दोनों क्रॉस हो सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6। और शॉर्ट करना है फ्रेंड, हमें 1 तक पहुँचना है, तो एक बार फिर डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 3 8 वैसे का वैसा ही। और आगे बढ़े फ्रेंड तो 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 1 8 वैसे का वैसे ही, 3 1 3। तो हम हाँ फ्रेंड, जब तक LCM में SCF निकालते रहते हैं, जब तक हमें लास्ट में वैल्यू कितनी ना मिल जाए, 1 1 1 ना मिल जाए सब में, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड ये आता है, अब इसका SCF क्या होगा, इसमें तो डबल डबल वैल्यूज आ गई हैं। चलिए फ्रेंड क्या करते हैं चेक, SCF मैंने क्या बताया था फ्रेंड, SCF वो होता है जो दोनों नंबर को पूरा पूरा काटता है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ, 5 ने दोनों को डिवाइड करा 150 को, बिल्कुल करा। उसके बाद फिर देखो, फिर 5 ने डिवाइड करा फ्रेंड, बिल्कुल करा। फिर उसके बाद अगर 2 की बारी आती है, 2 ने भी डिवाइड करा फ्रेंड, हाँ 2 2 4, 2 3 6। तो मतलब यहाँ तक 5 ने और 2 ने इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करा है। तो जहाँ तक भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, वहाँ तक आपका होता है SCF। और जब सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो होता है आपका LCM। समझ गया फ्रेंड्स, कभी भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, जब तक दोनों नंबर उस नंबर से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ तक आपका SCF चलेगा। और जब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा, LCM। तो मतलब फ्रेंड इसका SCF क्या होगा, 5 ने डिवाइड करा, फिर 5 ने डिवाइड करा, फिर 2 ने डिवाइड करा, तो 5 × 5 × 2, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 5 25, 25 2 50। हाँ फ्रेंड, तो इसका SCF कितना हो जाएगा, 50। आप वैसे भी गेस कर सकते हो, 50 वो बड़े से बड़ा टेबल है जिससे 100 और 150 डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। निकाल लिया फ्रेंड। और LCM का मतलब मैंने क्या बताया फ्रेंड,
एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के टेबल में सबसे बड़ा आने वाला। हम जानते हैं 100 से क्या आ सकता है फ्रेंड, 100 बन जाए 100, 100 जुड़े 200, 100 थ्री जाए 300, और 152 जाए क्या होता है 300, मतलब 300 सबसे पहली वैल्यू होगी। ऑर्ली भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या बताते हैं मैं एलसीएम में सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 5 × 2 × 2 × 3 कर लीजिए फ्रेंड। 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 50 × 2 = 100, और 100 × 3 = कितना होगा 300। समझ गया फ्रेंड। तो 100 और 150 का एलसीएम कितना जाएगा फ्रेंड हमारा 50, और एससीएफ कितना जाएगा हमारा फ्रेंड 300। आई थिंक फ्रेंड अब आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।